नमस्कार। आपको शायद सुन करके आश्चर्य लगेगा और आपको लगेगा कि ये अवधेश भाई जो है सो अतिशयोक्ति वाली बात बोल रहे हैं। हर साल हमने एक रिपोर्ट देखा है, हर साल शूटिंग स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के दौरान 30,000 आदमी समूचे दुनिया में या तो आंख गंवाते हैं या आंख उनका सीरियसली डैमेज हो जाता है। शूटर आई प्रोटेक्शन के मैटर में लापरवाही करते हैं, जैकेट 2 लाख 4 लाख का पहन लेंगे, शूज पहन लेंगे, ट्राउजर पहन लेंगे, लेकिन आंख के मैटर में नॉर्मली हम देखते हैं कि लापरवाह रहते हैं। अब देखिए, अब शूटिंग स्पोर्ट्स में अमूमन क्या होता है जो डैमेज होता है, आपको भी नॉलेज में देना जरूरी है। कॉर्नल इडिमा होता है, एस्क्लोपेटेरिया होता है, हाइफेमा होता है, आंख में उन्हें खून आ जाना, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट्स होता है, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, यहां तक कि ग्लोब रैप्चर भी हो जाता है ये। और इस तरह का इंजुरी जो है अमूमन ऑटो पिस्टल चला रहे हैं उसमें होता है, सेमी ऑटोमेटिक कोई वेपन चला रहे हैं उसमें होता है, या आप पंप एक्शन चला रहे हैं उसमें होता है। हमारे साथ भी हुआ है, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम प्रोटेक्टिव ग्लास के साथ थे इसीलिए हमारा डैमेज नहीं हुआ। और डबल बैरल इसकी ट्रैप शूटिंग के दरमियान भी होता है। अब कैसे कैसे क्या होता है बताते हैं। ऑटो पिस्टल आप चला रहे हैं, आपका एमटी इजेक्ट किया, बगल के दीवार में लगा, वहां से एमटी उड़ के आया, आपके आंख में लग गया, स्क्वीब लोड हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, ट्रिगर दबाए, उसके बाद तो फिर बैरल फटेगा कि क्या होगा, उसका डिबरी आपको आंख में लगा, आपका आंख साफ हो सकता है, जान चली जाए। सेमी ऑटोमेटिक में भी यही बात है, इजेक्शन हो रहा है, किसी वजह से वो आपका जो एमटी है वो कहीं टकरा करके सीधे आपके चेहरे पर आंख पर आ गया, आपका आंख डैमेज हुआ। रिवॉल्वर है, उसमें सिलेंडर के पास से गैस रिलीज होता है, आप थोड़ा नजदीक से चलाए तो वो जो फ्लेम माने हीट है वो आपके आंख में लगा, तो ये होता है। इभुन की डबल बैरल जो गन होता है उसमें भी होता है, डबल इजेक्टर है, आप तो आपका ध्यान तो स्कीट पर है कि स्कीट हाउस से कैसे निकला, और आपने फायर किया और दम से दूसरे हाउस में जाने के टाइम में बैरल को खोला और आपका ये डबल इजेक्टर सिस्टम है, एमटी उड़ा सीधे आपके चेहरे पर लगा। हमारे साथ ये हो चुका है तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में, जमाना पहले, ये 80 के दशक की बात है, 80 या उसके और पहले की बात है। तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में जो है सो हम शूट कर रहे थे, खोले और सीधे जो है सो हमारे आंख में लगा, तो खैर आंख में नहीं यहां पर लगा था दोनों, उस समय हम चश्मा नहीं पहनते थे, आंख हमारा ठीक ठाक था। ये मत बुझिए कि केवल हैवी कैलिबर में ही ये डैमेज होता है, ये 0.22 कैलिबर में भी डैमेज हो सकता है। और 0.22 में कैसे डैमेज होता है, आपका गोली मिस फायर किया, आपने बोल्ट खोला, आप खींच रहे हैं बोल्ट, तब तक प्लाक हो गया, वो डिबरी आपके आंख में पड़ गया। अब देखिए कि इसके लिए क्या है, तो आई प्रोटेक्शन ग्लास मिलता है, मार्केट में बहुत मिलता है, तो जो आप आई प्रोटेक्शन ग्लास खरीदेंगे वो कम से कम इंडस्ट्रियल ग्रेड का होना चाहिए, जो कि ANSI Z8 7.1 से अबव होना चाहिए, इसका स्पेसिफिकेशन है, ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, इसको इस्तेमाल कीजिए, 75% बचाव करेगा। अब आप हाईफाई
वाला लेना चाहते हैं कि एकदम भाई हम 700 नाइट्रो एक्सप्रेस चला रहे हैं या और कोई पावरफुल 375 मैग्नम चला रहे हैं, तो वैसी स्थिति के लिए आपको यूएस बैलिस्टिक प्रोटेक्शन का जो स्पेसिफिकेशन है 32-4-32 जो बैलिस्टिक फ्रेगमेंटेशन स्टैंडर्ड है उसका लेना होगा। ये ग्लास इस तरह का होता है, देख लीजिए, ये टिंटेड है, इसमें क्लियर ग्लास भी लगा सकते हैं, काफी सनलाइट है तो ये भी लगा सकते हैं। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लास हमारे ऐसे आदमी पहनते हैं वो भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका फ्रेम उसी डिजाइन का बना हुआ है। अब हम आपको बता दें कि आपको अगर यदि आपको पॉकेट अलाउ करे तब ये लीजिए, क्योंकि ये खरीदने में हम भी हिल गए थे। $300 इसका दाम है, हमारे एक मित्र यूएस से लेके आए थे, इंडिया में शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये ओकले एम फ्रेम है और इस मॉडल में चेंजेबल लेंस वगैरह भी है। दूसरा एक है चैंपियन, वो भी मंगा सकते हैं, वो $10 का है। आर्मोरेक्स है, ये पावर वाला भी मिलता है और इसमें प्रिस्क्रिप्शन ग्लास लगवा सकते हैं, वो $30 के लगभग पड़ेगा। हनीवेल है, हनीवेल $40 का लगभग पड़ेगा। क्लेपिजन वाले रेडियन क्लेपिजन का इस्तेमाल करें, वो पतला फ्रेम होता है और उसी में अटैच रहता है ग्लास। मेगापुल का जो लीजिएगा तो वो भी अच्छा है लेकिन उसका कीमत $100 से $140 का पड़ता है। तो $5 से लेके $300 तक का है, जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत तरह का लंद फंद गोली चलाते रहते हैं, बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारे साथ ये अटका झटका लगा रहता है और हमको आंख बचाना है तो हम ये उस तरह का यूएस आर्मी स्पेसिफिकेशन वाला ग्लास यूज करते हैं। तो अगली बार जब भी आप रेंज पर जाएं तो मिनिमम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का आई प्रोटेक्शन जरूर यूज करें। खुश रहें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।